हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। कशिश, कशिश, उठो कशिश, 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 मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, कशिश उठो, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। कशिश, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। बोलो, मदद करोगी ना मेरी? बोलो कशिश, मेरी मदद करोगी ना? क्या हुआ इसको? भैया वो मेरे कमरे में। कुछ बताओ तो सही, क्या हुआ भैया? क्या हुआ तुम्हारे कमरे में? हाँ भैया, मेरे कमरे में एक भूत है। भूत? हाँ भाभी, हाँ मैंने खुद अपनी आंखों से देखा। मेरे कमरे में एक औरत है, वो मुझे मार देगी। हाँ, वो मुझे मार देगी भैया। कशिश, घबराओ मत। कशिश, भूत वो जैसी कोई चीज नहीं होगी ना? जरूर कोई सपना देखा होगा तुमने, पर्दे हिलते हुए देखे होंगे, इसीलिए डर गई हो। नहीं भाभी, कोई पर्दे पर्दे नहीं थे, मैंने खुद अपने आप को से देखा। मेरे कमरे में एक औरत थी। अरे कशिश, मुझे मार देगी। बताओ मुझे कहाँ है वो औरत? नहीं, काशु, बच्चों जैसा डरना बंद करो। मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, डरने वाली कोई बात ही नहीं है। हाँ चलो चलो चलो, कम ऑन, आ जाओ, कुछ नहीं है वहाँ पर, आ जाओ चलो। नहीं भैया, मुझे नहीं देखना, वो यही खड़ी होगी। हाँ भैया, मुझे नहीं देखना। आंखें खोल के देख, कोई नहीं है, कुछ नहीं है यहाँ। सिर्फ पर्दे हैं, पर्दे देखो। जरूर तुमने सपना देखा होगा। चलो सो जाओ फिर से। अच्छा चलो कशिश। मेरी प्यारी सी गुड़िया, शादी से पहले नर्वस हो रही है? चलो आंखें बंद करने की कोशिश करो और सो जाओ। तुम मुझे यहाँ अकेला छोड़कर कहाँ चली गई थी?
होगा तुम। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मदद? कैसी मदद चाहिए तुम्हें? कशिश, मेरे खूनी को ढूंढने में। खूनी? हाँ, मेरा खून हुआ है। मेरे खूनी को तुम ही ढूंढ सकती हो। कौन है तुम्हारा खूनी? मैं नहीं जानती। मुझे बस पानी दिखता है, बहुत सारा पानी। आशीष, भैया, भैया देखो, देखो मैंने, भैया, मैं उस औरत के बारे में बता रही थी ना, वो यही थी, हाँ भैया, यही खड़ी थी, मैंने उसे, यही गई होगी वो, यही गई होगी भैया, मैंने, कशिश, कशिश, कोई नहीं, देखो। वाली साड़ी देखिए, जयपुर डिजाइन एकदम बहुत अच्छी है, आप एकदम लेटेस्ट हैं मैम। नहीं ये देखिए, एकदम लेटेस्ट डिजाइन मैम। भैया भाभी, आप लोगों को जो भी साड़ी पसंद आए आप लोग ले लीजिए ना। कशिश, शादी तुम्हारी है, तुमको इसे पहनना है। कशिश, रात वाली बात अभी तक दिमाग में घूम रही क्या? छोड़ो वो सब, भूल जाओ थोड़ी देर के लिए सर। कम ऑन, चेयर अप, पसंद करो, कितनी अच्छी अच्छी साड़ियां, पसंद करो। हाँ देखो ये वाली, ये वाली देखो, सुंदर है ना? मैडम ये ट्राई करके देखिए, बहुत अच्छी है। सर और कुछ कहो मैम के लिए? मैम के लिए तुम मुझसे क्यों भाग रही हो कशिश? मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, मेरे खूनी को पकड़ने में मेरी मदद करो कशिश, मेरी मदद करो। भैया, भैया, कशिश, वो लड़की, वो औरत, वो मेरे पैरों से। क्या हुआ? कशिश, तुम ठीक तो ना? चलो, नहीं भैया, चलो, मेरे साथ चलो, देखो, कुछ नहीं है, चलो, मैं नहीं जाऊँ, चलो ना, कशिश, चलो, भैया, भैया, कशिश, कशिश, कोई नहीं है, देखो। कशिश, 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 मेरी बात रुको तो। कशिश, गुड मॉर्निंग सर। क्या सो रहे हो बीरो में? सर कल रात भर में ठीक से सो नहीं सका सर। घर में मच्छर ज्यादा है क्या? मच्छर तो मेरी वाइफ को देख के भाग जाते। नींद क्यों नहीं आई तुम्हें? मैंने कल रात को एक सपना देखा, आत्मा का, बहुत ही भयानक सपना था सर। मैं हड़बड़ा के उठ गया सर। रेडी, ये तुम दोबारा आत्मा का चक्कर शुरू मत करो ब्यूरो में, समझे? सर, 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 मुझे, मुझे बचा लीजिए, वो लड़की मेरे पीछा कर रही है, प्लीज मुझे उसे बचा लीजिए। एक 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 मिनट, एक मिनट। बताइए क्या बात है? पहले तो वो मेरे कमरे में आई, उसके बाद हर जगह मेरा पीछा करने लगी है वो। कौन आपका पीछा कर रही है? अब कौन है जो आपको नुकसान पहुंचाना चाहती है? हाँ? वो लड़की सफेद कपड़ों में, लंबे बाल है उसके। है कौन वो? सफेद कपड़े, लंबे बाल, कहीं वो आत्मा? वो हर जगह मुझसे मिलने आती है। कौन, कौन मिलने आती है? एक लड़की की आत्मा। देखिए पहले आप एक बात अच्छी तरह से समझ लीजिए कि आत्मा वात्मा जैसी कोई चीज नहीं होती, उसके बाद हम इस बारे में बात करते हैं। देखिए सर, आत्मा होती है, मैंने खुद उसको अपनी आंखों से देखा है, वरना मैं क्यों आती आप लोगों के पास मदद मांगने के लिए? प्लीज प्लीज मेरी मदद कीजिए। कुछ नहीं होगा आपको, हम लोग बचाएंगे। हम लोगों को आत्मा आत्मा से डर नहीं लगता है। आप पहले ये बताइए कि आपका नाम क्या है और एग्जैक्टली क्या हुआ है? सर मेरा नाम कशिश है, मैं एक आर्टिस्ट हूँ, पेंटिंग बनाती हूँ। कल रात जब मैं अपने कमरे में सो रही थी तो आत्मा मेरे कमरे में आई, मैंने उसकी स्केच भी बनाई है, वो ऐसी दिखती है,
फिर क्या हुआ? वो मुझसे मदद मांगने लगी। कैसी मदद? वो चाहती है कि उसकी खूनी को पकड़ने में मैं उसकी मदद करूं। ये कैसी आत्मा है जो औरों से अपने खूनी का पता मांगती? कशिश, तुम ठीक तो? हाँ भैया, मैं ठीक हूँ। सॉरी सर, क्या ये आप लोगों से भी आत्मा वगैरह के बारे में? हाँ, ये बता रही हैं कि इन्होंने अपने कमरे में एक लड़की की आत्मा देखी है, उसका स्केच भी बनाया है। क्या आपने भी देखी है? नहीं सर, मैंने किसी आत्मा को नहीं देखा, पर ये बहुत डरी हुई थी तो शायद सच्ची बोल रही है। अच्छा, विवेक जरा ये स्केच स्कैन करके देखो अपने रिकॉर्ड में, क्या पता चलता है। अच्छा, आपको पहले भी कभी आत्मा वगैरह दिखाई दी है? मेरा मतलब है, आप किसी डॉक्टर के पास पहले भी गई हैं क्या ऐसी किसी चीज का इलाज कराने के लिए? सर, मैं पागल नहीं हूँ और ना ही कोई मेरा इलाज चल रहा है। भैया, आप इन्हें पता? हाँ सर, कशिश बिल्कुल ठीक ठाक है, पर न जाने कहाँ से अचानक ये। सर, मिल गया सर। सर, ये स्केच रोशनी नाम की किसी लड़की का है, जनवरी 2009 से गायब है, अभी भी लापता है। वही है, बिल्कुल वही है, इसी लड़की की आत्मा मुझसे मिलने आती है। एड्रेस क्या है इसका? इसके घर वालों से जाके बात कर सकते हैं। सर, 24 मिलिंद एनक्लेव, शास्त्री नगर। क्या? ये तो हमारे घर का एड्रेस है, पिछले 7 महीने से हम इसी घर में रह रहे हैं। अरे, आप लोग उसी घर में रह रहे हैं जहां से रोशनी गायब हुई थी? ये लड़की रोशनी 1 साल से लापता है, जो पहले इस घर में रहती थी और अब आत्मा बन के दिखाई दे रही है। कुछ ना कुछ तो कारण होगा जो ये सब हो रहा है। वो सच में मर चुकी है और ये बात उसने खुद ही मुझे बताई। वो तो ये भी चाहती है कि मैं उसके कातिल को ढूंढने में उसकी मदद करूं। कशिश, वो मर चुकी है तो वापस कैसे आ गई? मुझे क्या मालूम कि कैसे आ गई, लेकिन वो मर चुकी है। वो बार बार यही बोल रही थी मुझसे। देखो कशिश, अभिमन्यु जी प्लीज, हमें लगता है कि ये काफी डरी हुई है। हम एक बार उस भूत को पकड़ लें, रोशनी को, जो कोई भी है, तो ये अपने आप समझ जाएगी। ये घर आपने किससे खरीदा था? ये तो हमने एक दलाल से खरीदा था। तो उस दलाल ने पिछले मकान मालिक के बारे में कुछ बताया, उनकी फैमिली के बारे में? नहीं सर, उसके बारे में हमें कुछ नहीं पता। ठीक है, आप उस दलाल का पता दो, हम पता लगा लेंगे। ओके सर। अच्छा, वो औरत जो आपको दिखाई देती है, वो अपने खूनी के बारे में क्या बताती है आप? वो मुझसे बार बार यही कह रही थी कि मैं उसके कातिल को ढूंढने में उसकी मदद करूं, और इसके बारे में उसको कुछ याद भी नहीं है सिवाय इसके कि मुझे बस पानी दिखता है, बहुत सारा पानी। कुछ पानी के बारे में बता रही थी वो, कि उसे बहुत सारा पानी दिखाई देता है। पानी? हो सकता है हमें पानी में कोई सुराग मिले। अच्छा, यहाँ आसपास कोई स्विमिंग पूल या तालाब या कोई टैंक वगैरह ऐसा कुछ है? नहीं सर, यहाँ कोई स्विमिंग पूल या तालाब नहीं है, मगर सर यहाँ पे एक कुआं है पास में सर। कुआं? कहाँ है ये कुआं? आइए सर, इधर। सर, ये है वो कुआं जिसके बारे में आपको बता रहा था। हम जब से यहाँ आए हैं तब से ये बंद ही है। सर, वो लड़की की आत्मा बार बार मुझसे यही कह रही थी कि उसे बहुत सारा पानी दिखता है। इस आत्मा को पहले से सब कुछ मालूम था तो उसने पहले हल्ला क्यों नहीं मचाया? खैर, देखते हैं इस कुएं में क्या है। चलो विवेक, शुरू हो जाओ। आत्मा को तो सब मालूम रहता है ना, उसे ये मालूम है कि पानी वाली जगह पे जाना चाहिए, तो उसे ये क्यों नहीं मालूम है कि खूनी कौन? क्या बताऊं सर, वो आत्मा तो मेरे पीछे ही पड़ गई है। लो रे, मान लो।
कुछ है? हाँ सर। क्या है? लाश। लाश? हाँ? ये आत्मा तो सच में है। मुझे मुझे बहुत डर लग रहा है भाभी। सवाल के विवेक, सवाल के। आत्मा को पता कैसे चला होगा? हाँ, इसका मतलब ये उसी लड़की की लाश है जिसकी आत्मा मुझे बार बार मिलने आती है। लाश तो है लेकिन जरूरी नहीं कि उस लड़की की हो जो आपसे मिलती है। एक बार मरने के बाद कोई वापस नहीं आ सकता कशिश। आत्मा को ये मालूम था कि लाश पानी में है मगर कौन से पानी में ये मालूम नहीं था। कमाल है भाई साहब, ये मुर्दा तो कुछ और ही कहानी कह रहा है, सॉरी कह रही है। एक बात, हाँ आप कोई धमाका मत कर देना जिससे हमारे मुंह खुले के खुले रह जाए। नहीं यार अभी जी, धमाका कैसा, जो बात पता लगी है वही बात बताएंगे। ठीक है बताइए। ये लड़की पानी में डूबने की वजह से नहीं मरी। देखा तो देख, ये इसके सर पे ये चोट का निशान देखा। बस मुझे लगता है किसी ने बहुत भारी चीज से इसके सर पे वार किया और उसी से इसकी जान गई। हो सकता है कुएं में फेंकने के वक्त ये लड़की जिंदा हो लेकिन कर कुछ न पाई। डॉक्टर साहब, ये खोपड़ी पर ये सामने की हड्डियां तो ठीक लग रही है, तो इस पे लड़की का चेहरा बना सकते हैं ना हम लोग? हाँ क्यों नहीं बना सकते, चेहरा बना करके देख सकते हैं कि आखिर ये लड़की है कौन। सर ऐसा भी तो हो सकता है कि लाश रोशनी की हुई नहीं। सर सर कशिश के घर के बारे में हमने पता लगा लिया है प्रॉपर्टी डीलर से। क्या पता चला? रोशनी रहती थी वहां पे? हाँ सर, रोशनी उसी घर में रहती थी। रोशनी एक NRI थी और लंदन से यहाँ आई और यहाँ आने के बाद उसने ये घर खरीदा था। रोशनी के लापता हो जाने के बाद उसके घर वालों ने वो घर बेच दिया। एक एजेंट ने वो घर कशिश के भाई अभिमन्यु को बेचा। रोशनी के घर वालों के बारे में कुछ और पता चला? उनके लंदन वाले घर का पता चल गया सर, लेकिन अभी तक उनसे बात नहीं हुई। रोशनी के गायब हो जाने के बाद उनके घर वालों ने घर तो बेच दिया लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि रोशनी की लाश घर के पास वाले कुएं में। अभी जी पहले ये तो देखने दो कि ये लाश रोशनी की है भी या नहीं। कशिश तुम हमें ये बताओ कि तुमने उस लड़की को कहां पे खड़े हुए देखे, कहां पे खड़ी थी जब वो तुमसे बात कर रही थी? सर मैं अंदर नहीं जाना चाहती। कशिश घबराओ मत, तुम्हें बताना पड़ेगा कि वो लड़की अंदर कहां तक आती थी। मुझे अंदर जाने में बहुत डर लग रहा है। कशिश डरने की कोई बात नहीं है, तुमने जो कुछ देखा सब कुछ बताओ इनको, ये तुम्हारी मदद करने आया ना। आप? ये मेरी बहन के मंगेतर है आनंद, इन दोनों की बहुत जल्द शादी होने वाली है। ऐसे देखो कशिश, तुम अगर उस लड़की की मदद करना चाहती हो तो तुम्हें हमारी मदद करनी पड़ेगी। डरने की कोई बात नहीं है, तुम बस ये बता दो कि तुमने उस लड़की को कहां पे देखा। दोनों बार मैंने उस लड़की को यही खड़े हुए देखा था, यही खड़े होकर वो मुझसे बातें किया करती थी और अचानक गायब हो जाती थी। यहाँ पे विवेक, ताशा तुम लोग जरा बाहर चेक करो, तब तक हम लोग कमरा चेक करते हैं। Thank you.
सर ये आप क्या कर रहे हैं? बस ढूंढ रहे हैं कि वो लड़की इस कमरे में आती है तो कहां से है। नहीं अभिजीत, यहां तो कोई खुफिया रास्ता नहीं है। किसे तो वो लड़की हमेशा सफेद कपड़े पहन के आती है क्या? हाँ हमेशा, मैंने उसे सफेद सफेद रंग की बड़ी सी ड्रेस में देखा है। ओके, सफेद सी ड्रेस। मैं हमेशा सोचा करता था कि ये भूत भूत सफेद कपड़े क्यों पहनते हैं, और अगर पहनते भी हैं तो उनके कपड़े किसी चीज में अटक के फट क्यों जाते हैं? ये तो उसी लड़की के कपड़े का टुकड़ा है। इसका मतलब वो भूत होने का नाटक कर रही है? जी हाँ, ये उसी की ड्रेस का कपड़ा है। आखिर ये लड़की मुझे क्यों डराना चाहती है? वो तो उस लड़की के पकड़े जाने के बाद ही पता चलेगा। पर अभिजीत, मैं भी यही सोच रहा हूं कि अगर ये लड़की नाटक कर रही है तो फिर वो लड़की कौन है जिसकी लाश हमें कुएं में मिली? कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, ऐसे ऐसे हो कैसे सकता है? ऐसा होना जरा मुश्किल है। लेकिन सोनाली, सबूत तुम लोगों के सामने है। जो नहीं हो सकता वो हो चुका है। डॉक्टर साहब, जिस लड़की को कशिश आत्मा समझ रही थी वो कोई आत्मा वात्मा नहीं, वो एक जीती जागती लड़की है और उसे डरा रही थी। मिल गई वो लड़की? नहीं मिली नहीं अभी, पर जल्दी मिल जाएगी। अरे यार, वो लड़की मिल जाती तो कम से कम ये राज तो खुल जाता। अब ये नया राज कौन सा है सर? रोशनी के मरने का राज बॉस। अरे कहा ना, अभी अभी रोशनी जिंदा है। नहीं बॉस, रोशनी मर चुकी है। ये कैसे हो सकता है डॉक्टर साहब, रोशनी जिंदा है? नहीं बॉस, रोशनी मर चुकी है। मुझे मालूम था आप हम लोगों को कभी चैन से नहीं बैठने दोगे। वो आत्मा जो सफेद कपड़े पहन के घूम रही है, उसकी ड्रेस का फटा हुआ टुकड़ा हमें खिड़की में अटका हुआ मिला है। आत्माएं बाजार से खरीद के कपड़े नहीं पहनती है। इधर आओ। कब? ये चेहरा देख रहे हो? ये चेहरा मैंने अपने दिमाग से नहीं बनाया है, ये मैंने उस खोपड़ी से बनाया है, उस खोपड़ी से जो आप लोग लेकर के आए। फॉरेंसिक साइंस की मदद से बनाया गया है चेहरा, और फॉरेंसिक साइंस कभी झूठ नहीं बोलती है। और सच्चाई ये है बॉस कि रोशनी मर चुकी है, बस। डॉक्टर साड़ुंके कह रहे हैं कि रोशनी मर चुकी है और मैं कह रहा हूं कि जिंदा है। मगर अभिजीत, डॉक्टर सालों के भी झूठ तो नहीं बोल रहे हैं। अरे हम भी झूठ नहीं बोल रहे हैं यार, अगर वो सच है तो हम भी सच है। मगर सर, एक मरी हुई लड़की जिंदा बनकर कैसे घूम सकती है? ताशा, जो लड़की घूम रही है वो शायद रोशनी है ही नहीं, वो कोई और लड़की है। एकदम रोशनी जैसे दिखने वाली कोई और लड़की, ऐसा हो सकता है? हो सकता है सर, अगर मरने से पहले कोई काम अधूरा रह गया हो तो लोग आत्मा बन के वापस आ जाते हैं और सफेद कपड़े पहन के घूमने लगते हैं, है ना? वो हो सकता है सर। खाक समझ लो, अगर वो आत्मा बन के वापस आते हैं तो लाल हरे पीले नीले कपड़े पहन के क्यों नहीं घूमते हैं? सफेद कपड़े पहन के क्यों घूमते हैं? सर, रोशनी तो मर चुकी है, ऐसा डॉक्टर सालुंके ने कहा है। डॉक्टर सालुंके, कभी टाइम मिला तो फुर्सत में पूछूंगा उनसे। ऐसा क्यों होता है हमेशा कि जब भी हम लोग अपराधी तक पहुंचने वाले होते हैं, न जाने कहीं से वो नई चीज खोद कर निकालेंगे, दिमाग घुमा के रख देंगे। अभिजीत, एक ही लड़की जिंदा और मरी भी नहीं हो सकती,
ये जो लड़की कशिश को मिलने आती है उसका चेहरा मिलता जुलता होगा बस। सर इतना मिलता जुलता है कि दोनों बिल्कुल एक जैसी हैं। सर ये भी तो हो सकता है कि ये रोशनी की कोई जुड़वा बहन। हाँ ये हो सकता है, और रोशनी के खूनी को ढूंढने की कोशिश कर रही होगी वो। हाँ सर, पर रोशनी के घर वाले मिल ही नहीं रहे। कल लंदन वाला पता नहीं मिला? हाँ सर मिला, लेकिन वो लोग अब उस जगह पे नहीं रह रहे। जब तक वो लोग नहीं मिलते तब तक ये नहीं पता चलेगा कि रोशनी की जुड़वा बहन है या नहीं। तब तक क्या करें? हाथ पे हाथ धरे बैठे रहें? हाथ पे हाथ धरे क्यों बैठेंगे? वो लाश हमें कुएं में से मिली है, तो फिर से उस कुएं के पास चल के देखते हैं, कोई ना कोई सबूत जरूर मिल जाए। ये हुई ना बात, कुएं के पास। आराम से संभाल के। Leave it. रोशनी को कुएं में फेंका तो हो सकता है उसके साथ और भी कोई चीज अंदर गिर गई हो। हाँ हो सकता है, देखते हैं शायद कुछ सबूत मिल जाए। कुआं काफी गंदा है, कुछ ठीक से दिखाई नहीं दे रहा। विवेक और अंदर जाके देखो। अंदर कुछ लग रहा है, अंदर कुछ है। सर, ये जैकेट मिला है। इस कुएं में जैकेट के अलावा और कुछ भी नहीं है। विवेक आ जाओ। जैकेट तो किसी आदमी की जैकेट लगती है, तो इस जैकेट को कुएं में क्यों फेंकेगा? कहीं ऐसा तो नहीं कि इसका फोन से कुछ लेना देना हो? एक काम करते हैं, इसे हम साथ ले चलते हैं। आइए सर, क्या दिखाऊं सर? ये मैडम आपके दुकान में आई थी ना पहले, इन्होंने यहां आपके दुकान में कुछ देखा है, इसीलिए हम चेक करने आए। इस लड़की को देख, ये कभी आपके दुकान में आई थी? नहीं मैडम, मैंने इसे पहले कभी नहीं देखा। याद करो, ध्यान से देखो। नहीं सर, जहाँ तक मुझे याद है इसने हमारे यहाँ से कुछ नहीं खरीदा कभी। काफी महंगी महंगी साड़ियाँ बेचते हैं, तो सिक्योरिटी कैमरास तो होंगे ना आपके पास? जी सर, हमारे यहाँ दुकान में हर जगह कैमरास लगे हुए हैं। एक काम कीजिए, जरा रिकॉर्डिंग दिखाइए हमें इस कैमरे का, हम देखना चाहते हैं कि कल यहाँ पे क्या हुआ था। देखते हैं वो आत्मा इन कैमरास में है या नहीं। सर, आत्मा कैमरे में कभी दिखाई नहीं दी। अच्छा, ये आत्मा मुझे मिल जाए ना तो मैं खुद पूछूंगा उससे, ठीक है? आइए सर। कितने बजे आई थी आप यहाँ पे? कल सुबह सुबह 11 बजे। 11 बजे दरवाजे पे तो दिखेगी वो आते या जाते हुए। ये देखिए, ये नहीं है वो लड़की, मैंने मैंने इसी को देखा था। देखिए अभी है वहां पर। ज़ूम करो। सर ये तो रोशनी है, पर ये कैसे हो सकता है? तो क्या कशिश ने
सचमुच लड़की की आत्मा को देखा है? तो रोशनी तो मर चुकी है सर, फिर उसकी आत्मा कैमरे में कैसे दिखी? फ्रेडी रुक जाओ, फिर आगे देखते हैं। आशा जरा इस पे जूम करना। आशा रुको सर। ये देखिए देखिए सर, आत्मा की सैंडल टूट गई। देखा फ्रेडी, आत्माएं आजकल सैंडल पहनती है, पैर में कहीं कांटा वगैरह कुछ चुभ न जाए इसलिए। पर सर हमें रोशनी की लाश मिली, पर ये कौन है? वो तो अब ये टूटा हुआ सैंडल ही बताएगा। मतलब अब हमें आत्मा की सैंडल ढूंढनी पड़ेगी? सैंडल नहीं, उस आदमी को ढूंढेंगे जिसने वो सैंडल ठीक किया होगा। बस ये देखो, ये जैकेट इतना गल गया है कि इसके रेशे अलग अलग हो रहे हैं। मुझे लगता है एक साल तो रहा होगा ये जैकेट पानी में। डॉक्टर सालुंखे, डीएनए रिपोर्ट तैयार। वेरी गुड, क्या कहती है? सर, जो बाले जैकेट में फंसे हुए थे वो रोशनी के ही है। तो इसका मतलब ये है कि इस जैकेट को रोशनी के मुंह पर लपेट के उसकी लाश को कुएं में फेंका गया था। मतलब ये जैकेट खूनी का हो सकता है, पर इस जैकेट का लेवल भी पूरी तरह से गल चुका है। गल तो चुका है सचिन, लेकिन फिर भी पढ़ा जा सकता है, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। नमस्कार। जूते तो अच्छे हैं, पर बहुत घिस गए हैं, बहुत चलते हो क्या? हाँ, हमारा काम ही कुछ ऐसा है। पॉलिश कर दो। नहीं, हमें आपसे एक लड़की के बारे में कुछ पूछना है। ए, क्या समझा क्या तू? अरे दादा वो बात नहीं है, देखिए हम लोग सीआईडी से हैं। सीआईडी से? हम लोग इस लड़की के बारे में कुछ जानना चाहते हैं। इस लड़की ने सफेद रंग के कपड़े पहन रखे थे और आपके यहाँ शायद वो सैंडल ठीक कराने आई थी। ये है वो सैंडल। अरे ये सैंडल तो मैंने ठीक किया था, इसका हील टूट गया था और वो बहुत जल्दी भी थी वो। अच्छा, उसका चेहरा याद है आपको? आपको मालूम है किस तरफ देखी वो लड़की? साहब दिन रात चप्पल और सैंडल देखते हैं, चेहरा देखने को कहाँ मिलता है। वो यहाँ से स्टैंड पे गई और महेंद्र के टैक्सी में बैठ के चली गई। महेंद्र? ये महेंद्र कौन है? वो सालों से यहाँ स्टैंड पे टैक्सी लगाता है साहब। अच्छा, तो महेंद्र से पता चल सकता है कि उसने उस लड़की को कहाँ पे छोड़ा था? आइए साहब, क्या बनवाना चाहते हैं? सूट, पैंट, शर्ट? देखिए हम लोग यहाँ कुछ बनवाने नहीं आए, हम सीआईडी से। एक खून हुआ और लाश के पास से ये जैकेट मिली। साहब, साहब क्या बात? आप इस जैकेट को पहचानते हो? इस जैकेट पे आपकी दुकान का टैग लगा हो। बिल्कुल सर,
ये जैकेट हमारी दुकान पे बनी है तकरीबन 1.5 साल पहले। 1.5 साल पहले? जी, उस टाइम पे इस तरह की जैकेट्स का फैशन था। असल में तब मैंने 3 जैकेट्स बनाई थी इस तरीके की। 3 जैकेट? अच्छे से याद है आपको? बिल्कुल सर। असल ये कपड़ा जो है ना बहुत कॉस्टली है। 5,000 रुपए की 3 बेची थी मैंने। ये तीनों कस्टमर्स, उनका नाम पता और नंबर आपके पास होगा ना? बिल्कुल सर। हाँ, जुलाई 2009 में बनाई थी सर। एक तो ये हैं जुहू से परिमल साहब हैं और दो लोग और हैं ये खुशीवाला से कैलाश और रोहित। अब हमें ये पता करना है कि ये जैकेट उन तीनों में से किसका है। वो देखिए, वो महेंद्र। ये? हाँ यही है। महेंद्र भाई, ये लोग सीआईडी वाले। कल जो लड़की मेरे पास सैंडल बनवा के आपके टैक्सी में से गई थी ना, उसके बारे में पूछने के लिए आए। क्या ये वही लड़की है? अरे ये तो वही लड़की है साहब जो कल मेरी टैक्सी में आई थी। बिल्कुल वही साहब। लेकिन ये तो बहुत घबराई हुई थी और कह रही थी जल्दी चलो, सारे सिग्नल तोड़ने के लिए कह रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे इसका कोई पीछा कर रहा हो। कहाँ छोड़ा था उसे, कुछ याद है तुम्हें? सर मैंने वर्ली में छोड़ा था इनको। वर्ली में कहाँ पे, किस जगह? यहाँ पे रहती है रोशनी की आत्मा। देखें, तुम वहां इतनी दूर क्या कर रहे हो? आत्मा का मामला है सर। देखते हैं क्या बोलती है तुम्हारी आत्मा। जी कौन है आप लोग? हम लोग सीआईडी से। साहब सुनिए तो। अरे साहब, कौन रहता है यहाँ पे? साहब, मैम साहब। चुपचाप वहीं खड़ी रहो और अगर गायब हो सकती हो तो होके दिखाओ। दिखाओ गायब होके। हम लोग सीआईडी से। सर इस रोशनी की हमें लाश मिली थी सर, फिर ये नहीं रेडी। ये रोशनी नहीं हो सकती, रोशनी मर चुकी है। अरे 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 अरे, ये तो भाग रही है सर। ये गायब नहीं हो सकती, मतलब ये आत्मा नहीं है। अब बताओ क्यों डरा रही हो कशिश को, बताओ। रोशनी की आत्मा बनकर क्यों डरा रही थी तुम कशिश को? हाँ, कौन हो तुम? मैं रोशनी नहीं हूं। रोशनी का खून हुए 1 साल हो चुका है और इसीलिए मैं आत्मा बनकर रोशनी के खूनी को पकड़वाना चाहती थी। और तुम हो कौन? ये रश्मि है, रोशनी की जुड़वा बहन, मेरी दूसरी बेटी। पापा, जुड़वा बहन? हाँ, मैं रोशनी की जुड़वा बहन रश्मि हूँ। हम दोनों एक जैसे दिखते थे। बहुत सालों से हम लोग लंदन में रहते थे, लेकिन रोशनी हमेशा इंडिया आना चाहती थी। और जब वो यहाँ घूमने के लिए आई तो एक घर लेकर वो यहीं रहने लग गई। पर क्या? पर एक दिन उसने फोन किया और पापा से कहने लगी कि जायदाद में से उसे उसका हिस्सा चाहिए। आप लोगों ने पता नहीं किया कि उसने ऐसा क्यों किया? वो यहाँ एक लड़के से प्यार करती। मैंने इस डर से कि वो मुझसे दूर चली जाएगी, उसके हिस्से का पैसा उसे भेज दिया और फिर वो कभी नहीं मिली, बस गायब हो गई।
जिस दिन उसने मेरा फोन नहीं उठाया, मैंने सपने में देखा था कि वो पानी में थी, बहुत गहरे पानी में, और तड़प रही थी। आपने सपने में देखा? हाँ, बचपन से ही एक अजीब सा कनेक्शन था हम दोनों के बीच। अलग अलग रहते हुए भी एक दूसरे के दर्द और खुशी को महसूस कर सकते थे हम। एक टेलीपैथी थी। टेलीपैथी? फिर? लंदन से मैं यहाँ आई उसको ढूंढने के लिए। मैंने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की, यहाँ तक कि पुलिस में कंप्लेन भी कराई थी, लेकिन वो नहीं मिली। और सर, मैंने कशिश को कभी भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। मैं तो सिर्फ अपने बहन के कातिल को ढूंढना चाहती थी। उस लड़के के बारे में पता किया जिससे प्यार करती थी रोशनी? मौत से पहले उसने मुझे एक टैटू के बारे में बताया था। टैटू? कैसा टैटू? उसने और उसके बॉयफ्रेंड ने अपनी अपनी गर्दन पर एक दूसरे के नाम के पहले अक्षर का टैटू बनवाया था। नाम के पहले अक्षर का टैटू, वो भी अपने गर्दन पे। रोहित और परिमल दोनों के पास अपनी अपनी जैकेट्स थी, बचा ये कैलाश। शायद ये वही आदमी है जिसे हम ढूंढ रहे हैं। हाँ विवेक, ये जैकेट उसके नाम पे ही बना है, तो वो उसे पहचानने से इनकार भी नहीं कर सकते। जी आप कौन? तुम्हारा ही नाम कैलाश है ना? जी हाँ, मैं ही कैलाश हूँ, पर आप लोगों को मैंने पहचाना नहीं। हम लोग CID से हैं। CID? आप यहाँ? इसे देखा है कहीं? ध्यान से देखो। ये जैकेट? क्या बात, अपनी जैकेट पहचानने में इतनी मुश्किल? ये जैकेट तुमने पिछले साल बीविन टेलर से सिलवाई है ना? हाँ सर, ये जैकेट मेरी, पर आपको कहाँ से मिली? कहाँ से मिली? ये आप क्या कर रहे हैं? आप? हमें तो लगा तुझे सब कुछ याद होगा। ये जैकेट कुएं में लाश के पास से मिली। ये आप क्या कर रहे हैं? मुझे नहीं मालूम उसने इस जैकेट के साथ क्या किया है। उसने किसने? ये जैकेट मैंने सिलवाई थी सर, पर मेरे कजिन को ये बहुत पसंद आया, इसलिए मैंने ये जैकेट उसे दे दिया था। कजिन? कौन कजिन? कहाँ रहता है वो? कशिश, ये क्या मजाक है? कुछ ही दिनों बाद तुम इस घर में बहू बनकर आने वाली हो, और तुम CID को यहाँ ले आई? आप लोग यहाँ क्यों आए हैं? अब ये तो नहीं सोच रहे कि रोशनी का खूनी इस घर में है? जो भी है, ये जैकेट हमें यहाँ लेके आई है। ये कैलाश की जैकेट है, और वो खुद इसे यहाँ पे इस घर में छोड़ के गया है। ये जैकेट हमें कुएं में लाश के पास से मिली है। इसका मतलब समझते हैं आप? रोशनी का खून करते वक्त खूनी ने ये जैकेट पहनी हुई थी, और तो और रोशनी के बाल हमें इस जैकेट में फंसे हुए मिले। हो सकता है कि रोशनी मरने से पहले काफी तड़पी हो। इस जैकेट के बारे में हमें कुछ नहीं मालूम, कौन लाया, कहां से आया, कौन पहन के गया, हमें कुछ नहीं मालूम। कोई बात नहीं, हम लोग पता लगा लेंगे। क्या मतलब? मतलब आप लोगों में से कोई है जो पहले से रोशनी को जानता था? रोशनी का एक बॉयफ्रेंड था जिसकी गर्दन पर एक टैटू है, R लिखा हुआ, उसी ने रोशनी का खून किया है। आप और आप तीनों इधर आइए, लाइन लगाइए, आइए। ये तो बड़ी बेइज्जती है। खून के मामले में क्या इज्जत और क्या बेइज्जती, हाँ? सब बराबर है, जब तक खूनी कौन है ये पता नहीं लग जाता। सर, मेरे नाम के पहले अक्षर का इन्होंने अपने गर्दन पे टैटू बनाया था मेरे लिए। हाँ, ये टैटू मैंने कशिश के लिए बनवाया था। अच्छा,
जरा देखो। ये आप क्या कर रहे हैं सर? एक मिनट, हिलाने। सर ये आप क्या कर रहे हैं? चुप। ओ, आर लिखा है, आर। तुम्हारे नाम के नीचे रोशनी का नाम छुपा दिया इसने। इसका मतलब? इसका मतलब तुम्हें रोशनी को मारा है? हाँ, यही खूनी है। रोशनी का खून इसने किया है। ए, आगे मत बढ़ना। अरे क्या करना चाहोगे? अरे तुम चुप रहो। सिर्फ तुम्हारी वजह से ही फंसा हूँ मैं। नहीं आनंद, आनंद नहीं, आनंद। तुम्हारे लिए अच्छा होगा चुपचाप सरेंडर कर दो। भाग के नहीं जा सकते तुम। एक खून तो मैं पहले ही कर चुका हूँ। इसको भी मार दूंगा। वहीं खड़े रहो। अरे तुम्हारी वजह से मैं फंस गया हूँ। ऐसे नहीं मानेगा। मुझे कभी रोशनी से प्यार नहीं था। मैं तो बस उसके पैसे चाहता था। मैंने उससे कहा कि बिजनेस स्टार्ट करने के लिए अपने बाप से जायदाद का हिस्सा मांग ले, और उसने मुझे लाकर पैसे दिए भी। पैसे देने के बाद वो शादी के लिए जिद करने लगी, और इसीलिए तुमने उसका खून कर दिया। नहीं नहीं, वो एक एक्सीडेंट था। शादी की बात को लेकर हमारे बीच में लड़ाई हो गई, और गुस्से में आकर मैंने उसके सर पे मार दिया, और देखते ही देखते उसने मेरे सामने दम तोड़ दिया। मैं बहुत डर गया था। अपनी जैकेट को मैंने उसके चेहरे पे लपेट के उसको कुएं में फेंक दिया। क्या नसीब है, तुम्हारी मंगेतर उसी घर में रहने आ गई जिसमें रोशनी रहती थी। वो कहते हैं ना, जैसी करनी वैसी भरनी। अब जेल में बैठ के नोट गिनने के सपने देखना, फांसी का ऑर्डर आने तक। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।